इना चना बनाई इकलाई जिसने हेमा मालिन खाई आकर धर्मेंद्र फसाई अमिताभ बच्चन किया लड़ाई राजेश खन्ना को बुलवाई चना जोर गरम। सुबह 5 बजे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार और इसके बाद धर्मेंद्र आते हैं साहब वर्किंग करने के लिए, तो भेल खिलाना। आज मेरा भेल अगर खा लिए ना तो रात के सपने में नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना साहब। और हकीकत बता दो हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भेल नहीं बना सकता है पूरे हिंदुस्तान में। मैं खाली चौपाटी की बात नहीं करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। अनिल कपूर की सेहत के राज तो यही तो है साहब। जो बीच भेल पूरी वाला फिर करे कमाल, जो चौपाटी में आए तो भेल पूरी नहीं खाए तो क्या मतलब खाई के जो चौपाटी का भेल। कांदा करी धनिया मिर्ची टमाटर ये सब अगर भेल में नहीं पड़ेगा तो क्या मतलब है सर। आलिया भट्ट ने और उनकी शादी में हम गए थे, हवाई जहाज से गए थे और हवाई जहाज से आए सर, उनको खिलाया बोले भैया तुमने कुछ भेल खिलाया है। ये जो चना जोरम है ना ये क्रांति फिल्म में बना था चना जोरम, ये ख्याल करना। और नींबू ऐसा डाल दो कि बोले कोई भेल बना कर दिया साहब। कहते ना कि चना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार चना जोर गरम। आइए दोस्तों अभी हमें मुंबई की जुहू चौपाटी में और आज हम आपको मिलवाने वाले इंडिया द मोस्ट एंटरटेनिंग भेल वाले भैया से। इनका नाम है लालजी यादव। दोस्तों अगर आपने इनकी भेल एक बार भी खा ली ना तो आप इनको जीवन काल के दौरान कभी भूल नहीं पाओगे, आप भी मेरी तरह इनके जबरे फैन हो जाओगे। आप जुहू चौपाटी में आए हैं और एक बार भेल बनाएंगे ना आप खाएंगे तो बोलेंगे क्या भेल बनाए। सींग चना सेव दाल कांदा टमाटर धनिया मिर्ची सब डाल के बनाऊंगा, खाने के बाद बोले वाह क्या भेल बनाया ऐसा बोलेंगे आप। और मजा नहीं आया तो फिर बोलना कि जुहू में कैसे भेल बना रहे। लाल जी यादव का अगर भेल खाए तो हकीकत आप बोलेंगे कि सचमुच भेल बना है भाई, जुहू में जाना है अब उन्हीं का भेल खाना है ऐसा आप बोलेंगे सर। पक्का बोलेंगे सर। हाँ सर, जुहू चौपाटी में सुबह सुबह 5 बजे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार और इसके बाद धर्मेंद्र आते हैं साहब वर्किंग करने के लिए, तो भेल खिलाना खिलाता और बोलते हैं कि साहब खाइए, अगर हमारा अगर भेल नहीं खाए तो वो लोग खा के जाते हैं, अगर ऐसा भेल नहीं खाएंगे तो क्या मतलब मिलेगा साहब। और ये सोच लीजिए कि जो चना जुरम है सेब है जो भी चीज़ है ये सब वो जनरल चीज़ें। देखिए कांदा करी धनिया मिर्ची टमाटर सींग चना दाल ये सब डाल के बनाते हैं और वाक्य में भेल है, बोले क्या भेल बना ये माने। और लाल जी यादव का ही भेल खाना सर ये पक्का है। अनिल कपूर की सेहत के राज तो यही तो है साहब, आलिया भट्ट की राज तो सेहत की यही है। ये सूर्या राय जो आए हैं भेल खाए हैं और बोले कि भैया तुम्हारा सचमुच भेल बढ़िया है और हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा भेल कोई नहीं बना सकता, ये मेरा वादा है सर। और कभी खाएंगे ना जब भी आएंगे तो सोचे कि लाल जी यादव का ही भेल खाएंगे, ये मान के चलो सर। वाह भाई वाह, तो हमारे लिए एकदम बढ़िया सर। अरे एकदम दिल खोल के बनाऊंगा और हमारे भेल का भी देखना कि कैसे मैं भेल बना रहा हूँ सर। एक बार भेल खाने के बाद ही आप बताएंगे कि ना भेल क्या है। और कांदा करी धनिया मिर्ची टमाटर ये सब अगर भेल में नहीं पड़ेगा तो क्या मतलब है सर। और सींग चना दाल अभी तो कैरी का सीजन है सर ना, जो कि कैरी डाल के बनाते हैं जी, 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 जी। ये मान के चलना और एकदम बनाएंगे वाह क्या भेल बना सर। फिर एकदम भेल बनाने के बाद ही खाएंगे और ये भेल खाएंगे ना जब देखेंगे लोग तो और आएंगे और बोले वाह। और मोहब्बत से खाइए सर, एकदम मोहब्बत से खाइए। रेखा जी की यही खूबसूरती है और यही एक बार खाए हैं और ये बालिया भट्ट का यही जो है कि एकदम पूरा एकदम जो बोलेंगे साहब कि कोई भेल बना के दिया। और मज़ा नहीं ना देखिए ये जो चना जोरम है ना ये क्रांति फिल्म में बना था चना जोरम, ये ख्याल करना। और ये जो नींबू है अगर एक बार नींबू मिलने के बाद ही मज़ा आएगा सर, ये सोच लीजिए। और जुहू में अगर आए हैं तो सोच लीजिए कि अगर लाल जी यादव का भेल जब खा लिए तो मानो कि कोई भेल वाला मिला था और हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भेल नहीं बना है साहब, ये मान के चलना। और एकदम ये पूरी है और ये है चम्मच। कहते ना कि चना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार चना जोर गरम। आइए एक क्रांति फिल्म में बना था साहब चना जोर गरम। आज मेरा भेल अगर खा लिए ना तो रात के सपने में नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना साहब। और हकीकत बता दो हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भेल नहीं बना सकता है पूरे हिंदुस्तान में। मैं खाली चौपाटी की बात नहीं करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ सर कि आप बोलेंगे कोई भेल बनाया है। ये है साहब कुरमुरा और ये देखिए इसमें डाल रहा हूँ कांदा करी सब मिर्ची, ये देख रहे हैं ना सर ये चने की दाल है, चने की दाल सर। ये सेव सेव हाँ ये चना जोर गरम
और ये है सिंगदाना, ये है सिंगदाना सर, और ये एकदम पेवर मसाला जो इसे सूखा बेल बोलते हैं ना, तो सूखे मसाला है। वाँ वाँ। और ये 300 रुपया किलो का नींबू है, 300 रुपया किलो का नींबू है, और नींबू ऐसा डाल दो कि बोले कोई भेल बना कर दिया साहब। और इसको आलिया भट्ट ने और उनकी शादी में हम गए थे, हवाई जहाज से गए थे और हवाई जहाज से आए सर, उनको खिलाया, बोले भैया तुमने कुछ भेल खिलाया है, ये आप भरोसा रखे साहब, और मज़ा आ जाए तब बताना कि कोई भेल है। और एकदम ये खाइए और एकदम मोहब्बत से लेके खाइए, और खाइए साहब मेरा चना बना इकलाई जिसने हेमा मालिन खाई, आकर धर्मेंद्र फसाई, अमिताभ बच्चन किया लड़ाई, राजेश खन्ना को बुलवाई, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार चना जोर गरम। लेकिन साहब मैं भेल बेचता हूँ, ये ख्याल करना, भेल भी जिसको खिलाया ना वो एकदम खाएगा, बोलेगा कोई भेल खिलाया है। चौपाटी में जा रहे थे, भेल पूरी खा रहे थे, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, लेकिन चौपाटी में आए हैं साहब तो जरूर भेल पूरी खाई है। अगर ऐसा भेल पूरी अगर नहीं खाए तो समझे कि चौपाटी में घूमा और कुछ भी नहीं खाया। यहाँ आना सबसे बढ़िया भेल, भेल के बाद कुछ खाइए, अगर भेल ही नहीं खाएंगे तो क्या मतलब है घूम कर चौपाटी करके। ये मान के चलना कि लालजी यादव कहीं भेल खाना साहब खाए के जो भी भेल पूरी वाला फिर करे कमाल, जो चौपाटी में आए तो भेल पूरी नहीं खाए तो क्या मतलब, खाई के जो चौपाटी का भेल लालजी वाला। साहब बनाया है ना, जब मजा नहीं आएगा तो क्या मतलब मिलेगा सर, सोचिए पहले, जो भी चीज रहेगा वो मजा आना चाहिए, हमारा ये कहना है सर। सो मैंने यहाँ से लिए इनकी बेल, इसकी प्राइस है सिर्फ वो 20 रुपए, 20 रुपए में आप देख सकते हो ढेर सारी चीजें डल गई है, और साथ ही साथ ये जो जिस तरह बातें करते हैं, जिस तरह कहानियां सुनाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी मेरी तरह कभी भी मुंबई की जूह चौपाटी पे आते हो तो लालजी यादव की बेल जरूर खाएगा और उनसे 2 मिनट बातें जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कर दो, और ऐसे और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर दो। पीस आउट।